नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन पे माँ भगवती शारदे की पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, विद्या की देवी हैं। और हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल में कैसे हम लोग बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। तो देखिए, हमारे यहाँ आप लोगों के यहाँ भी मुझे बताइएगा कैसे मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे सुबह अपना स्नान करके और पूजा करके मीठे चावल बनाए जाते हैं, गुड़ के, जिसको हम मीठा भात कहते हैं। और हाँ, मैंने अपने मंदिर में पूजा कर ली है, जो हमारे घर का मंदिर है। और उसके बाद हम लोग जो हैं खेत में जा कर के किस तरह से बसंत पंचमी का पूजन करते हैं और अपनी तरफ से कैसे हम लोग अपने रीति रिवाज को निभाते हैं, ये आप सभी मेरे साथ देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत दुख हो रहा है मुझे देख के कि हम मना तो रहे हैं बसंत पंचमी, लेकिन आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ कि बसंत जैसा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा जो है मौसम में होने वाले परिवर्तन की वजह से है, और एक भी फूल नहीं खिला हुआ है। मुझे पूजा करने के लिए भी फूल लेने में दिक्कत हो रही थी, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, और पेड़ों में कोई, ये हमारे यहाँ पर ये खुबानी का पेड़ है, बट कोई इसमें एक भी फूल नहीं लगा अभी तक, और ये सारा देखिए कितना सूखा पड़ा हुआ है। तो दुख होता है देख के कि किस तरह से हमारे जो जलवायु है और मौसम है उसमें परिवर्तन आ गया है। तो ये हमने पूजा, जो हम यहाँ पर खेत में पूजा के लिए जो सामग्री थी चाहिए थी, वो मैं लेके आ गई हूँ, और हम अपने खेत में आ गए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, इसको कुदाल से चौकोर हम खुदाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कुदाल से एक चौकोर सा एरिया बना लिया है, यहाँ पे से जो भी कूड़ा वगैरह है वो हमने साफ कर लिया है। और अब हम यहाँ पर जो है 5 पत्थर स्थापित करेंगे, जो कि 5 पांडवों के भी प्रतीक हैं और पंचमी के भी प्रतीक हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 5 पत्थर ले आई हूँ, और उनको हम लगाएंगे यहाँ पर 5 दिशाओं, मतलब 5 तरह से उनको हम व्यवस्थित करेंगे। और यहाँ पर हमने 5 जगह पर इन पत्थरों को फिक्स कर देंगे ऐसे। तो अब हमने चारों दिशाओं में और एक बीच में ये 5 पत्थर फिक्स कर दिए हैं। अब इसके बाद ये पहिया है, आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं मुझे बताना, इसको हम पहिया कहते हैं, बहुत शुभ माना जाता है और पूजाओं में बहुत ज़्यादा ये प्रयोग होता है। इसको हम एक एक पेड़ के साथ, एक एक पत्थर के साथ इनको हम लगा देंगे। और ये है जौ के पौधे, और ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। जौ तो वैसे भी हवन में भी काम आते हैं, जौ के जो बीज होते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम जो है जौ के पौधे भी इनके साथ एक एक ऐसे रोपण कर देंगे इनका। माता के गोबर से मैंने ऐसे गणेश जी की प्रतिमा बनाने के, एक मतलब प्रतीक है, मुझे तो आता नहीं बनाना, लेकिन मैंने ऐसे गणेश जी की प्रतिमा बनाई है गाय के गोबर से, और उसको हम बीच में रख देंगे, क्योंकि अभी हमने इनका यहाँ पर पूजन करना है। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ इसमें जो है सतनाजा या 5 सतनाजा मतलब 7 अनाज या 5 अनाज जो भी, उनको इकट्ठा करेंगे और मिक्स करके उनको यहाँ पर हम अभी बोएंगे। पीले तिलक से यहाँ पर पूजा की जाती है, गणेश जी को हम पिठाई लगाएंगे, और इन 5 जो हमने ये शिलाएं यहाँ पर रखी हैं, इन 5 शिलाओं को हम तिलक लगाएंगे। और अब हम गणेश जी को यहाँ पर फूल चढ़ाएंगे। सभी शिलाओं में भी चढ़ाएंगे। ये बनाया है हमने मीठा भात, जो कि गुड़ चावल घी से बनता है, और यहाँ पर हम चढ़ा देंगे अब प्रसाद के रूप में इसको। तो ये अनाज हमने यहाँ पे बो दिया है, इसको बो रहे हैं हम यहाँ पे। इस अनाज को बोने के पीछे जो मान्यता है वो ये है कि कहा जाता है कि आज के बाद से हमारे यहाँ पहाड़ों में अनाज बोना शुरू हो जाता है, और उसके लिए ये प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि आज से ही जो नाग देवता सर्दियों में नीचे धरती के नीचे चले जाते हैं, वो आज से ही, आज के दिन से ही धरती के ऊपर आ जाते हैं। तो उनकी पूजा के रूप में भी ये यहाँ पर जो ये पहिया वगैरह की पूजा हमने की है वो की जाती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी भी छिड़क देंगे, प्रतीकात्मक रूप में होती हैं सारी ये चीज़ें। बसंत पंचमी के दिन जो जौ होते हैं, जौ के पौधों को ऐसे गोबर के साथ लगा के
अपने दरवाजे पर ऐसे लगाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इस तरह से जौ के बालियों, जौ के जो ये पौधे होते हैं, इनको गोबर के साथ ऐसे दरवाज़ों पर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये हमने यहाँ पर गणेश जी की पूजा की है और ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने एक छोटा सा खेत बनाया और उसमें इस तरह से हमने पूजा की है। तो मैंने कोशिश की कि आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ पर कैसे बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे पुराने जो लोग थे कितनी सीधी सादी ढंग से पूजा करते थे, और हमारे जो लोक पर्व हैं उनका कितना बड़ा महत्व है। आप देख रहे होंगे कि इनकी पूजा की पद्धति में भी केवल केवल हमारी जो है प्रकृति, खेती बाड़ी, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और पूजा भी कर रहे हैं तो गाय के गोबर से बनाकर। कितनी ज़्यादा गोबर, अनाज, ये हरियाली जो मैंने जौ के रूप में चढ़ाई, ये पहिया के पत्ते, पत्थर, तो हमारे लोगों की का जो जीवन रहा है वो केवल प्रकृति से जुड़ा हुआ रहा है। प्रकृति के ही ऊपर हमारे पुराने लोग निर्भर थे, क्योंकि उस समय बाज़ार नहीं हुआ करते थे, तो खेतों से ही निकली हुई चीज़ें, और खेतों कहते हैं ना कि वो एक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो भी प्रकृति ने दिया उसी को समर्पित करना, और फिर प्रकृति उसको दुगने रूप में उन लोगों को प्रदान करती थी। बहुत ही अच्छी हमारी लोक संस्कृति है, और आज हम लोगों के अंदर जो है, जो हम मॉडर्न हो गए हैं और हमने धीरे धीरे अपनी इस संस्कृति को भुला दिया है। मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि अब जो नए बच्चे अगर मुझे इन चीज़ों को करते हुए देखा और अच्छा लगा हो, तो उनको भी पता रहे कि हमारे पुरानी परंपराएं क्या होती थी, त्योहारों को मनाने का तरीका क्या होता था। तो अभी जो ये मीठा भात है, इसको हम प्रसाद के रूप में सभी को बांटेंगे और हम भी इसको पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं पंचमी की। सरस्वती माता की मुझ पर विशेष कृपा है, मैं तो हमेशा उनकी ऋणी हूँ। आप सभी पर भी माँ सरस्वती की ऐसी कृपा बनी रहे, आप सभी का भी कल्याण हो, और हमारी प्रकृति का संवर्धन हमने ही करना है, उसका रक्षण भी हमने ही करना है, तभी तो वो हमारा भी पोषण करेगी। धन्यवाद।